अभी मैं निकल रहा हूँ रतनपुर से, और रतनपुर ये गांव है गिफ्ट सिटी से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, और गिफ्ट सिटी गांधीनगर के बिल्कुल नज़दीक है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, मेरे सामने देख रहे हैं ये पूरी गिफ्ट सिटी है और न्यू डेवलप हो रहा है यहाँ पे। पूरी जितनी बिल्डिंग्स है, नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए नए स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं रोज़गार के लिए। सो गाइस, मेहसाणा के लिए मुझे दूसरी लिफ्ट मिली है, और दूसरी लिफ्ट मिली है मुझे कार से, और सर ने मुझे लिफ्ट दी है। सर क्या नाम है आपका? दर्शन राजको। दर्शन? हाँ दर्शन, दर्शन। ओके, दर्शन सर ने मुझे लिफ्ट दी है और ये मुझे छोड़ेंगे छत्रसाल तक, और छत्रसाल से फिर मैं जाऊँगा मेहसाणा, तो वहाँ से कुछ नज़दीकी पड़ेगा मेरे को, और मेहसाणा से जाऊँगा मैं बड़नगर। अब देखते हैं बड़नगर कब तक पहुँचना होता है। और तीसरी लिफ्ट मिली है भाई भी एमपी से ही है, ग्वालियर से, मुराद में रहते हैं और यहाँ पर जॉब करते हैं, तो ये अभी फिलहाल में यहीं पर रह रहे हैं 7-8 साल से, और यहीं। तो भाई साहब, मैं आ चुका हूँ अभी मेहसाणा में, और मेहसाणा से जाऊँगा मैं बड़नगर मोदी जी के गांव। चुका हूँ अभी मेहसाणा के स्वामी नारायण मंदिर में, और यहाँ मुझे एक चीज़ देखने को मिली है गुजरात में, तो गुजरात में स्वामी नारायण मंदिर बहुत सारे हैं। स्वामी नारायण मंदिर बोले तो श्री विष्णु भगवान जी के मंदिर बहुत सारे हैं यहाँ पर, और जितने भी मंदिर हैं सभी बहुत खूबसूरत और अच्छे तरीके से डिजाइन किए हुए हैं, पूरे पत्थरों के हैं। और गाइस यार, चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल, है ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, और अच्छी अच्छी कमेंट्स करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। तो गाइस, स्वामीनारायण मंदिर से निकलने के बाद मैं आया था दूध सागर, यहाँ पे एक जगह है दूध सागर डेयरी है वो, एक तरह से अपने यहाँ भोपाल में जैसे सांची दूध डेयरी है उसी तरह से। तो लोगों ने बताया था कि दूध सागर डेयरी आप ज़रूर जाना, लेकिन उसमें अंदर नहीं जाने देते, वो एक नॉर्मली डेयरी है, सिक्योरिटी लगी रहती है, पता नहीं ऐसा क्या है, इतना तो कोई खास लगा नहीं मुझे। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं अपडेट डालता रहता हूँ हर एक घंटे आधे घंटे में, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ और क्या हालात में हूँ अभी, वो सब चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो वीडियोस, फोटोज़ जो भी है, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी जसपाल JSN के नाम से, तो आप जाके सर्च करिए और फॉलो करिए, और वीडियो भाई लोग आप पूरी देखा कीजिए पूरी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी वीडियो से, अपने देश को जानने को मिलेगा कि मैं अपना देश कैसा है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ क्या क्या हेरिटेज प्लेस है, और ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेगा, तो आप वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप मत कीजिए। और अभी मुझे 5 दिन हो चुके हैं गुजरात में, तो 5 दिन से मैं सोलो ही ट्रेवल कर रहा हूँ। तो गाइस, अभी मैं खा रहा हूँ गुजरात के मेहसाणा में खाना। गाइस, ये रखी हुई है मेरी खाने की थाली, और मेरे सामने बैठे हुए हैं ये सर, तो इनसे कुछ बातें करते हैं। इन सर का पहले नाम पूछते हैं, तो सर आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रजापति पिंटू जयंती भाई है। जी जी, और आप क्या करते हैं? मैं इधर रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम थे आपका रेस्टोरेंट? प्रजापति रोटली साग एंड भाकरी हाउस भोजनालय। और ये किस जगह में? ये मेहसाणा रामोसा चौकड़ी पड़ती है ना, जो वो अंदर ब्रिज है ना, उसके पास। और मेहसाणा जो जगह है ये कितना पुराना शहर है या फिर नया डेवलप हुआ है, क्या चीज़ें इस जगह की खासियत क्या है? ये मेहसाणा में तो क्या है, कब से पहले तो उधर उसके पास में दूध सागर डेयरी है, इधर से लगभग यहाँ से 500 मीटर आसपास दूध सागर डेयरी होगी, और उससे आगे जाओगे तो वो स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है BABS का, वो है फेमस, और बाकी सब जगह मेहसाणा आप जाओगे तो काफ़ी घूमने के लायक है। यहाँ से 25-1 किलोमीटर पे मोढेरा सूर्य मंदिर है मेहसाणा से, इधर उंझाक साइड जाओगे आप तो वो उमिया माता जी का मंदिर है 20-25 किलोमीटर पे। और मेहसाणा के आसपास काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, अगर आप मेहसाणा गुजरात में आना चाहो तो बिल्कुल आपका स्वागत है, गुजराती भाई लोग आपका वेलकम करेंगे। हाँ, और बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के मेहसाणा में, तो देखो एक खाने का चीज़ तो बढ़िया रहेगा सब आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है खाने में, सब जगह पे भाकरी साग जाओगे तो अच्छा ही मिलेगा, कोई जगह पे ऐसा नहीं है कि खाना खराब मिलेगा, हर जगह पे खाना मिलेगा अच्छा आपको मेहसाणा में, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है मेहसाणा में, घूमने के लिए भी अच्छा है,
अच्छा होटल भी मिलेगा रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है मेहसाणा में। गुजरात का जो ऑल इंडिया में एक चीज फेमस है ना का गुजरात का खाना, जलेबी फाफड़ा और क्या क्या चलता है, तो मैं धीरे धीरे उस वो सब चीज़ों का टेस्ट ले रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ सब चीज़ें मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ। और गुजरात काफी डेवलप का सबसे वो ज्यादा फूड फेमस है भाकरी साग। भाकरी साग, हाँ भाकरी भी यही है कि बहुत फेमस है। किस चीज से बनता है वो? गेहूं का आटे का ही बनता है। अच्छा, गेहूं का आटा था वो, क्या है थोड़ा बड़ा पिसा हुआ होता है, इसको रोट आटा क्या थोड़ा कड़क गूंदना पड़ता है। और गाइस मेहसाणा के बिल्कुल नज़दीक ही पास में यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बड़नगर है जहाँ पे मोदी जी का जन्म हुआ था, तो उनकी जन्म स्थली में जा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ किस जगह रहते थे वो, किस जगह से उठकर ऊपर गए हैं और आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने कैसे गुजरात को डेवलप किया है। और यहाँ पर अगर आपको गुजरात आना है ना तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत रोज़गार है, बहुत डेवलप स्टेट है। यहाँ खेती का तो मुझे इतना कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, सैलरी आपको अच्छी मिलेगी और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, सपोर्टिव लोग हैं, नेचर वाइज मतलब यार क्या ही बताऊँ मैं आपको, गुजरात इज़ अ वेरी गुड। तो ये है गेहूँ के आटे की, गेहूँ का जो आटा रहता है उससे थोड़ा सा इसका साइज बड़ा रहता है, मोटा मोटा पिसता है और इसे बाखड़ा बोलते हैं, बाखरी बाखरी बाखड़ी बोलते हैं इसे। ये गेहूं की रोटी होती है, ये छोटे साइज में रहती है और थोड़ी मोटी रहती है, इसे बाखड़ी बोलते हैं। काफ़ी टेस्टी लगती है, मैंने खाई है अभी और बहुत टेस्टी है, अगर आप भी गुजरात आओ तो एक बार ज़रूर टेस्ट करना। इसका जो आटा जो सांधा जाता है वो थोड़ा सा कम पानी में सांधा जाता है और मोटा लेके, और आप लोई को यूँ घिस सकते हो जैसे आप देख रहे हो ये भाई क्या कर रहे हैं, तो इसी तरह से बनती है ये। अभी मैं पहुंच चुका हूं बड़नगर, बड़नगर और बड़नगर में ही मोदी का जन्म हुआ था और यहीं के रहने वाले थे मोदी जी। और ये जो मेरा ये जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हो ये बड़नगर का रेलवे स्टेशन है और बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना। और इसको पूरा नए तरीके से बना रहे हैं, नए तरीके से बन रहा है ये, अभी ये पूरा इसको खुदाई चल रही है, यहाँ पे पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो यही है बड़नगर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन और मैं आपको मेरे सामने दिखा रहा हूँ जहाँ पे मोदी जी चाय बेचा करते थे। तो ये मेरे सामने आपको दिख रही होगी, ये उन्हीं की दुकान है मोदी जी की, जहाँ पर मोदी जी चाय बेचा करते थे। और ये बड़नगर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और इसको हम नए तरीके से बना रहे हैं, तो प्लेटफार्म बढ़ रहे हैं और ये सब चीज़ें। देखिए दुकान को पूरा पैक करके रखा है ताकि इसको कुछ खरोच तक ना आए, और इसको पैक कर दिया ताकि यहाँ पे कोई पर्यटक आए, कोई टूरिस्ट आए तो वो देख सके, और पूरा इसको पैक किया है पन्नी से और पूरा कवर करके रखा है मोदी जी की दुकान को। तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से। तो ये है भाई साहब उनकी दुकान बड़नगर रेलवे स्टेशन पर, नॉर्मल सी दुकान है, बहुत पुरानी है लेकिन आप समझ सकते हो और कितनी फेमस हो है ये अभी इंडिया में, इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी फेमस हो चुकी है। पूरे नए तरीके से बना रहे हैं रेलवे स्टेशन को बेहतरीन तरीके से, और पूरा नया काम चल रहा है इसमें, नए तरीके से बना रहे हैं, ये लिखा हुआ ऊपर बड़नगर, मोदी जी का गांव बड़नगर, महादेव मंदिर किधर है? महादेव मंदिर किधर है? क्या लाया है? कुछ नहीं लोग बाग समझते हैं ये लड़का बेच क्या रहा है, क्या सामान बेच रहा है अब किसी लोगों को तो पता ही नहीं चलता, मैं रोड पर खड़ा होता हूँ लिपस्टिक का बोर्ड लेके, तो सोचते हैं यार ये कर क्या रहा है, बैग टंगा हुआ है बोर्ड लेके क्यों खड़ा है। इधर गुजरात में क्या लोगों को इंग्लिश थोड़ी कम आती है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें यहाँ के लोगों को गुजराती आती, हिंदी भी बोल लेते हैं तो पूछते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं वो लोग। मोदी जी के गाँव में कुछ बच्चे कंचे खेलते हुए, ये देखिए ये खेल रहे हैं कंचे,
और काफ़ी एक्साइटेड था मैं मोदी जी के गांव आने के लिए, तो फाइनली मैं आ ही गया। काफ़ी टाइम से एक मन में जिज्ञासा थी मोदी जी के गांव को देखने की। और मोदी जी का घर किधर है अंकल भैया? मोदी जी का घर किधर है? गांव में किधर? अभी कोई रहता है उसमें? पता नहीं। अच्छा, हम लोग बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं बाहर? हाँ? बाहर कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद रहते हैं। उनकी फैमिली अहमदाबाद में रहती है? दिल्ली में तो मोदी जी रहते हैं। हाँ। उनकी फैमिली परिवार घर देखिए गांव के कुछ ऐसे हैं। पहले ये बहुत डीप में था गांव और बहुत ही मतलब पिछड़ा एरिया था। रेलवे स्टेशन था यहाँ पे, एक ही दुकान थी जो थी मोदी जी की, और अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है, टाउन बन चुका है एक तरह से अगर बोला जाए तो, शहर में तब्दील हो गया थोड़ा थोड़ा। शहर और गांव दोनों का कल्चर मिक्स है इसमें, लेकिन डेवलप हुआ, हर चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी मार्केट। और ये जो मंदिर है हटकेश्वर मंदिर, इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है सुंदर बनाने के लिए, ताकि मंदिर और सुंदर लगे। मंदिर में अंदर जाने के लिए तीन द्वार है मंदिर में, तीन, एक फ्रंट में है, दोनों आजू बाजू में है, आप कहीं से भी जा सकते हो मंदिर में। और मंदिर का जो परिसर है वो बहुत बड़ा परिसर है और बहुत ही पुराना मंदिर है यार, ये बहुत पुराना मंदिर है। देखिए काम कितनी तेज़ी से चल रहा है मोदी जी के गांव में, रिनोवेशन कितनी तेज़ी से हो रहा है मंदिर को सुंदर बनाने के लिए। और बहुत पुराना मंदिर है और इसमें जो शिवलिंग है वो स्थापित नहीं किया गया था, वो अपने आप प्रकट हुआ था, और बहुत पुराना शिवलिंग है वो। तो इस मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं, अगर किसी को आना है मोदी जी के गांव घूमने बड़नगर तो आप आइएगा, बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत अच्छी जगह है। पहले ये गांव हुआ करता था और अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो टाउन में परिवर्तित हो गया। और ये देखिए आप, इसका रिनोवेशन का काम कितनी तेज़ी से चल रहा है, यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है और पूरा रिनोवेशन किया जा रहा है मंदिर का, ताकि नया लगे और सुंदर लगे। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, लगभग 2000 साल पुराना मंदिर है ये, और इसका जो पत्थर है ये 1100 साल पुराना है, और इसमें जो स्थापित जो शिवलिंग है वो 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और उसको स्थापित नहीं किया था, वो अपने आप प्रकट हुई थी, तो वही शिवलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तो गाइस, हटकेश्वर में मंदिर आया था और मंदिर की ही ये धर्मशाला है, तो यहाँ पे रुकने की भी मेरी व्यवस्थाएँ हो गई है। और हटकेश्वर जो मंदिर है यहाँ पर बहुत सारी बहुत बड़ी धर्मशाला है, और वहाँ पे ये देख ही सकते हो धर्मशाला का मेंटेनेंस, आप ये बेड लगे हुए, और इसमें आप लेडीज़ जेंट्स सभी के अलग अलग पार्टीशन में बने हुए, उस तरफ जाओगे आप तो उधर लेडीज़ का है, ये इस तरफ जेंट्स का है। यहाँ पे मैं रुका हूँ और यहीं पे नाइट स्टे करूँगा, और मेरे सामने वो आपको दिख रहा होगा वो हटकेश्वर मंदिर है। ये मंदिर से निकल के मैं सीढ़ियों से चढ़ के मेन रोड पर आ गया, मेन रोड ये है। और मेरे पीछे ये दरवाज़ा है, ये गेट है। तो ये दरवाजे से निकल के मैं जा रहा हूँ समाष्टा तालाब, और ये जो गांव जो है ना बड़नगर, ये बहुत पुराना गांव है। यहाँ के गांव वाले बोलते हैं कि ये 2000 साल पुराना गांव है, बहुत पुराना गांव है, ये देख ही सकते हो आप, पुराने पुराने घर है। ये एक और दरवाज़ा है। और समिष्टा तालाब कहाँ पर है? यही वाला है, इसी को बोलते हैं। अच्छा, तो ये दरवाजे से निकल के जा रहा हूँ मैं समिष्टा तालाब, और ये बड़नगर की काफ़ी फेमस जगहों में जगह हैं, समिष्टा तालाब, तानारी गार्डन, हटकेश्वर मंदिर।
समिष्टा तालाब, इवनिंग का टाइम हो रहा है और ये आप देखिए तालाब के चारों तरफ ऐसा बना हुआ है, आप घूम सकते हो तालाब के चारों तरफ घूम सकते हो, ऐसे काफ़ी बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, तालाब के चारों तरफ आप घूम सकते हो। ये तालाब में देखिए आप एक छोटा सा आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, अब ये पता नहीं कौन से भगवान का मंदिर है, लेकिन ये पानी में डूबा हुआ है और बहुत ही यूनिक सा लग रहा है ये, और काफ़ी सुंदर तालाब है, और इस तालाब का नाम है समिष्टा तालाब, और इस तालाब के चारों तरफ दिख रहा होगा उधर से भी एक रास्ता है, तो उधर से भी अगर आप आना चाहो तो उधर से भी आ सकते हो, उधर जो है वो तानारी गार्डन है, तानारी गार्डन से अगर आओगे आप तो उस रास्ते से आना होगा, और मैं आया हूँ ये अंदर वाले हाटकेश्वर मंदिर से, अंदर से जो गांव का रास्ता आता है दरवाजे आते हैं तो उस रास्ते से कीर्ति तोरण के इधर से, तो मैं ऐसा व्यू है यहाँ का, और इवनिंग के टाइम में यहाँ की वो जो सुंदरता है वो काफ़ी खूबसूरत है, और देखते ही बन रहा है तालाब का नज़ारा, और तालाब के पास में ही ये है ऑडिटोरियम, और इस ऑडिटोरियम से आप यहाँ पे कार्यक्रम चलते रहते हैं बैठ के देख सकते हैं, और ये देखिए आप ये सीढ़ियाँ भी है, वो सीढ़ियाँ भी है, और बिल्कुल समिष्टा तालाब के इतना टच में है, सटा हुआ बिल्कुल नज़दीक ही, और आए तो इसमें भी आना इसको देखना, और यहाँ पे प्रोग्राम लगभग अधिकतर होते ही रहते हैं। ये जो रास्ता है ये कीर्ति तोरण जाने का रास्ता है, और गांव में आप देख सकते हो पतली सी पतली गली, छोटे सा छोटा रास्ता है ना, उसमें भी डामर रोड है, कंक्रीट रोड है, और साफ सफाई है, और ये सामने आपको दिख रहा है कीर्ति तोरण, इसके कीर्ति तोरण, और कीर्ति तोरण लाल और पीले पत्थर से बना हुआ है, और इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है, और ये लगभग 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, और कीर्ति तोरण का एक जोड़ा है, और दो जोड़े में मतलब एक कीर्ति तोरण ये है, और एक कीर्ति तोरण द्वार आपको दिख रहा होगा मेरे सामने, दोनों एक ही जैसे, वो ये लाल पीले पत्थर से बनाया गया, और इसकी आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, ये 6 बज चुके हैं और थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, लेकिन यहाँ पे कीर्ति तोरण पर लाइट लगी हुई है तो उजाला है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ इसीलिए, और ये दूसरा कीर्ति तोरण द्वार है, और ये भी लाल पीले पत्थरों से ही बनाया गया है, और ये बिल्कुल उसी की सेम मान सकते हो आप, जीरोक्स कॉपी है पूरी, बहु के वही के वही है, एक वहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, और ये भी पूरा सेम ही है उसी की तरह, ये आप देख सकते हैं पूरा सेम है, और इसके चारों तरफ भी ऐसा ही व्यू है, और जो आपको लाइटिंग दिख रही है ना वो समिष्टा तालाब की लाइट दिख रही है आपको, जो लाइट दिख रही है, और समिष्टा तालाब का वो देखने लायक रहता है, और अगर आप बट नगर आओगे ना तो आप ये चीज़ें मिस मत करना, ये काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, बहुत पुरानी हैं, और ये अगर बट नगर आओ तो ज़रूर देखना, और बट नगर जो है बहुत ही ऐतिहासिक जगह है दोस्तों। तो अभी रात हो रही है, मुझे तानारी गार्डन भी जाना था, लेकिन अभी अंधेरा हो गया तो मैं आपको एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा वो चीज़ें, तो उसको मैं जाऊँगा मॉर्निंग में तानारी गार्डन, और मैं निकल के जा रहा था हाटकेश्वर मंदिर के लिए, क्योंकि मैं वहीं नाइट स्टे करूँगा, तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ, ये है समिष्टा तालाब का कुछ नाइट का ऐसा व्यू, और तालाब के चारों तरफ लाइट चल रही है, और कितना खूबसूरत सा व्यू है यहाँ का, तो ये मिस नहीं करना चाहता था मैं। ये है तानारीरी गार्डन, और मैं अभी आया हूँ तानारीरी गार्डन, ये मंदिर दिख रहा है यहाँ पे, और ये है कुछ ऐसा, कल मुझे थोड़ा सा शाम हो गई थी तो मैं कल घूम नहीं पाया था, आज बड़ नगर में मेरा दूसरा दिन है, और आज तानारीरी घूमने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा किसी, ऐसे जो है ना ऐसी जो छतरियाँ हैं छोटी छोटी, ये बहुत सारी बनी हुई है यहाँ पे, और ये जो है ये नरसिंह मेहता हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये नरसिंह मेहता है इनका नाम, और ऐसे देखिए आप पूरा तानारी गार्डन जो है ना उसमें जगह जगह ऐसी छतरियाँ बनी है, मैं हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे भोपाल में इन सब चीज़ों को छतरियाँ बोलते हैं, अब आप लोग क्या बोलते हो आप समझ लीजिए, और ये इधर पार्किंग की सुविधा भी है, यहाँ से आप अगर आप आओगे तो अगर आपको पार्किंग में गाड़ी लगाना है तो यहाँ पे पार्किंग का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, अंदर आप कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकते हो, और
बहुत बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा ये गार्डन है ताना रीरी। इसमें मंदिर भी है माता पद्मावती का, और ये देखिए आप लिखा है ताना रीरी, और वहाँ तक देखिए आप। यहाँ से अंदर जाऊँगा मैं, ये मेन गेट है इसका, और दोनों साइड बहुत बड़ा गार्डन है। और ताना रीरी जो थी वो दो बहनें थी, तो उन्हीं के नाम पे ये गार्डन का नाम रखा गया ताना रीरी गार्डन। और ये अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। और ताना रीरी जो थी, दो बहनें थी, तो दोनों की यहाँ पे समाधि है। ये समाधि जो है ताना की जो आपको दिख रही है, और उसके जस्ट पास में ही ये देखिए ये जो समाधि है ये रीरी की है। तो दोनों की समाधि बनी हुई है यहाँ पे, और इसीलिए ये बडनगर में काफ़ी फेमस है। बडनगर और पूरे वर्ल्ड में ही बडनगर तो फेमस हो ही चुका है मोदी जी की वजह से। और काफ़ी ब्यूटीफुल सा गार्डन है ये, बहुत बड़ा है। और ये देखिए आप, छोटा सा स्टैचू बना हुआ है माता सरस्वती जी का। और तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ ताना रीरी गार्डन में, और ताना रीरी गार्डन की कुछ जानकारी के लिए मैम है जो हमें गाइड कर रही है, दिखा रही है, तो मैं उनसे कुछ बातें करता हूँ जो यहाँ की जगह के बारे में बता सके। और तो कर स्टेज की जो तो वहाँ पे होता है ये ताना रीरी गार्डन में ऑडिटोरियम बना हुआ है, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब यहीं पे किए जाते हैं। और ये पूरा ताना रीरी के अंदर का पूरा व्यू है ऐसा, और जगह जगह ये छतरियाँ बनी हुई है। और मेन जो छतरियाँ हैं वो ताना और रीरी की हैं, जहाँ पर उनकी समाधि है। और काफ़ी खूबसूरत सा है, अगर आप कभी बड़नगर आना चाहो तो आप बिल्कुल ज़रूर आइएगा। ये मेहसाना ज़िले में लगता है, बड़नगर नाम की एक जगह है। और आप अहमदाबाद से आ सकते हो, और आप गोधरा से भी आ सकते हो, या फिर आप राजस्थान से आओ तो फिर आप उदयपुर, जोधपुर, माउंट आबू होते हुए भी आ सकते हो। चारों तीनों तरफ से रास्ते हैं इसके, और बहुत ही सुंदर सी जगह है। बडनगर जो है बहुत ही पुरानी जगह है, ये लगभग 2500 साल पुरानी है। और यहाँ पे जो भी पुराने ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी हाटकेश्वर मंदिर हुआ, कीर्ति तोरण हुआ, ये बहुत पुराने हैं। और हाट में बडनगर तो ज़रूर आइए। और मोदी जी की जन्म स्थली है ये, तो आपको मोदी जी के बारे में बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। उनका घर कैसा था, कैसे रहते थे, किस स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ उनका बचपन बीता है, ये सब चीज़ें पूरी ये बड़नगर की वादियों में बसी है उनकी यादें। और ये पूरी चारों तरफ की पूरी ग्रेनरी है। और यहाँ अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो ये मैम है जो आपको गाइड भी करेंगी, और सब कुछ इस चीज़ के बारे में बताएंगी विस्तार से, डिटेल में। अगर आपको जानना है तो यहाँ पर आइए, तो आप मैम से मिल सकते हैं। तो ताना रीरी गार्डन के बिल्कुल पीछे एक तालाब है जो गाय लेक के नाम से फेमस है, और यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है। और ये तालाब भी अच्छा है, बस थोड़ी सी क्लीन हो जाइए। और ये यहाँ से आप व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो मैं आपको ले चलता हूँ आगे, और ये देखिए, ये देखिए यहाँ की, यहाँ पे अगर आओगे ना तो तालाब में एक ये है, आप चारों तरफ का नज़ारा ले सकते हैं।